वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम बनाने वाले हैं कटलेट। तो जिसके लिए हमने ले लिया है ये 4 मीडियम साइज आलू, उसे फोक की मदद से अपने बिल्कुल मैश कर लिया है। आप भी बिल्कुल फाइन ऐसा करके मैश कर लीजिएगा। इसमें डालेंगे हम वेजीज और आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने डाली है इसमें अभी गाजर डालेंगे इसमें हम 3, हमने कद्दूकस कर ली थी और इसको हम डाल देंगे। और इसको डाल देंगे हम शिमला मिर्च 1 और 1 मीडियम साइज प्याज और धनिया और लाल और हरी मिर्च हमने 4 ली है इसमें। और आप अपनी पसंद से और भी वेजीज डाल सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जैसे कि सब स्पाइसेस से पहले डालेंगे इसमें 4 चम्मच कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लोर जो भी होता है वो 4 चम्मच डाला है हमने। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। गरम मसाला और डाल देंगे जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला फ्लेवर के लिए। आप अपने हिसाब से स्पाइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसके ऊपर चिली फ्लेक्स वगैरह भी हम बाद में डालेंगे, पहले से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। इसमें कॉर्न स्टार्च कम लग रहा था जिसकी वजह से 2 चम्मच हमने और ऐड करा था। हम डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स। ये हमारा बन चुका है डो टाइप मिक्सचर पूरा। और अब अपने हाथों पे ऐसे ऑयल लगा लेंगे और ये जो हमने मिक्सचर तैयार करा है इसको लोई से बना के इसको फ्लैट करके फिर इसे फ्राई कर लेंगे, जैसे कि दिखाया जा रहा है वीडियो में। इसी तरह से करिएगा आप भी और साइड में थोड़ा सा कर दीजिएगा ताकि बिल्कुल फाइन बने वो। ऐसी सारी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और गैस को मीडियम पर ही रखिएगा ताकि ये ज़्यादा जले नहीं और अंदर से कच्चे रह जाए। अब इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए करके ऐसे ही हमने ऑयल भी लगा लिया था। हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से आप भी बनाइएगा और फ्राई कर लीजिएगा और गैस को स्लो ही रखना है। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह से हम बाकी सारे इनको ऐसे फ्राई कर लेंगे और गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसी तरह से आप बनाइए। अभी हम आपको दिखाएंगे इसका फुल लुक। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी। इसी तरह से आप फ्राइंग पैन से भी कर सकते हैं, इसके वीडियो में दिखाया गया है। देखिए इस आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे भी अच्छे बनते हैं। थोड़ा सा चिपक गया था। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं।
सो गाइस हमारे कटलेट रेडी है, जिसे आप चाय, चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाय गाइस।